हेलो बच्चों, आज हम अध्याय भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी के भाग दो पे चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक वनस्पति पर, झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति पर, वनों की आवश्यकता पर, वन्य प्राणियों पर और वनों के उपयोग पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति से। बच्चों, जैसा कि आप देखते होंगे कि आपके आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इनमें से कुछ को तो हम लगाते हैं और कुछ खुद ब खुद उग जाते हैं। तो बच्चों, जो पेड़ पौधे मनुष्य की सहायता के बिना ही उग जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो बच्चों, ये जो प्राकृतिक वनस्पति है, वो मुख्यतः उस स्थान की जलवायु और खास तौर से वर्षा पे निर्भर करती है। बच्चों, इनमें से कुछ पौधे तो छोटे होते हैं, जिन्हें हम झाड़ी कहते हैं, जैसे कि कैक्टस, पुट्टूस और सिंधवार और आदि। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा प्राकृतिक वनस्पति को जारी रखते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है 5। वो निम्नलिखित हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तीसरा, मरुस्थलीय वन। चौथा, पर्वतीय वन। और पांचवा, मैंग्रोव वन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सभी पे एक-एक करके चर्चा करते हैं। तो बच्चों, अपनी चर्चा प्राकृतिक वनस्पति को जारी रखते हुए हम शुरुआत करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। बच्चों, जिन स्थानों पे भारी वर्षा होती है, वहां पे सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं। बच्चों, ये इतने घने होते हैं कि सूर्य की जो प्रकाश है जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण वहां की जो भूमि है वो दलदल होती है। बच्चों, सदाबहार वन में वृक्ष जो है अपने पत्ते साल के अलग-अलग महीनों में गिराते हैं, जिसके कारण ये जो वन है घना दिखता है। बच्चों, भारत में सदाबहार वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे पाए जाते हैं। बच्चों, यहाँ पे अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान के कारण यहाँ की जो लकड़ियां होती हैं वो कठोर होती हैं। बच्चों, इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं महोगनी, एबोनी और रोजवुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा प्राकृतिक वनस्पति को जारी रखते हुए अब हम उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पे चर्चा करेंगे। बच्चों, ऐसे वन को मॉनसून वन भी कहा जाता है। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। बच्चों, ये वन जो हैं कम घने होते हैं और इन वनों के जो वृक्ष हैं अपने पत्तों को साल के एक नियत समय पे ही गिराते हैं, और ये ज्यादातर ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्तों को गिराते हैं। बच्चों, इसीलिए इस वन को पतझड़ वन भी कहते हैं। इस वन के प्रमुख पेड़ हैं साल, सागवान, पीपल, नीम और शीशम। बच्चों, भारत में पतझड़ वन जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा प्राकृतिक वनस्पति को जारी रखते हुए अब हम चर्चा करेंगे मरुस्थलीय वन की। बच्चों, इस प्रकार की जो वनस्पति है देश के
कुछ शुष्क भागों में पाई जाती हैं। बच्चों, पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, अर्थात इस वन के जो वृक्ष होते हैं जल के ह्रास को कम करने में मदद करते हैं। बच्चों, इन वनों में मुख्य रूप से जो है कैक्टस, खेर, बबूल और कीकर पेड़ पाए जाते हैं। भारत में कटीली झाड़ियां मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे और गुजरात में पाई जाती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा प्राकृतिक वनस्पति को जारी रखते हुए अब हम चर्चा करेंगे पर्वतीय वनस्पति पे। बच्चों, पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई पे अधिकांश वृक्ष शंकु के आकार के होते हैं। बच्चों, इसलिए इन्हें शंखवाकार वृक्ष अर्थात कोनिफेरस वृक्ष भी कहते हैं। बच्चों, इनमें महत्वपूर्ण पेड़ जैसे चीड़, पाइन और देवदार हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा प्राकृतिक वनस्पति को जारी रखते हुए अब हम चर्चा करेंगे मैंग्रोव वन पे। बच्चों, यह वन जो है मुख्य रूप से डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है और यह खारे पानी में भी रह सकते हैं। बच्चों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन के डेल्टा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बच्चों, इस वन के मशहूर पेड़ जो हैं, वो है सुंदरी और बेंत। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति पे। बच्चों, झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति को दो वर्गों में रखा जाता है। पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन से। बच्चों, इन वनों का विकास झारखंड के मुख्यतः उन क्षेत्रों में हुआ है जहां औसत वार्षिक वर्षा जो है 120 सेंटीमीटर से अधिक है। बच्चों, ये वन रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूमि, धनबाद एवं संथाल परगना जिलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति पे चर्चा को जारी रखते हुए अब हम उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पे चर्चा करेंगे। बच्चों, इन वनों का विकास मुख्य रूप से झारखंड के उन क्षेत्रों में हुआ है जहां औसत वार्षिक वर्षा जो है 120 सेंटीमीटर से भी कम होती है और ये वन जो है उत्तरी गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, उत्तरी हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और देवघर जिले में पाए जाते हैं। इनके मुख्य वृक्ष हैं महुआ, पलाश, खेर, आसन और अमलताश। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे वनों की आवश्यकता पे। तो बच्चों, वन जो है उसमें मौजूद जो पेड़ होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो है सभी प्राणी सांस लेने में करते हैं। बच्चों, पेड़ जो है अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। इस तरह से वनों में मौजूद पेड़ जो है मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। वन में जो मौजूद वृक्ष होते हैं उनसे हमें जो लकड़ी मिलते हैं वो फर्नीचर और ईंधन के कार्य में लाए जाते हैं। बच्चों, वन से चारा, औषध और जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। यहां तक कि वन से
लाह, शहद और गोंद भी भारी मात्रा में मिलते हैं। बच्चों, इसके अलावा वन जो है, कई वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास होते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे वन्य प्राणी पे। बच्चों, वन्य प्राणी एवं वन ये दोनों ही हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। बच्चों, जो जानवर प्राकृतिक वनस्पति के बीच रहते हैं, उन्हें हम वन्य जीव कहते हैं। बच्चों, मनुष्य वन जीवन एवं वनों के बीच जो है एक घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार के व्यवधान से संतुलन बिगड़ता है और इसके कारण प्रत्येक को हानि होती है। बच्चों, वन जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का आश्रय स्थल होता है और इन वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है और ये देश के विभिन्न भागों में रहता है। बच्चों, उसी प्रकार गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर रहते हैं और केरल, कर्नाटक और असम में हाथी रहते हैं। वहीं असम में एक सींग वाले गेंडा भी पाए जाते हैं। बच्चों, हिमालय के आसपास जंगली बकरी, हिम, चीता, भालू आदि रहते हैं। और जैसा कि हमें पता है, मोर जो है हमारी राष्ट्रीय पक्षी है। बच्चों, इसी प्रकार जो ऊंट है वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे वनों के उपयोग पे। तो बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों में संबंध पे। बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु दोनों जो है जैव मंडल के महत्वपूर्ण अंग है। प्राकृतिक वनस्पति में भिन्नता होने के कारण भारत में विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं और वन्य जीव एवं वनस्पति मिलके एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। बच्चों, जीवों के बीच आहार का संबंध होता है, जिसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम वनों के उपयोग पर अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम बात करेंगे वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण पे। बच्चों, भारत में वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए सन 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्कों और वन्य प्राणी अभयारण्यों की स्थापना की गई थी। बच्चों, वन्य जीव अभयारण्य जो है विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। वहीं पे राष्ट्रीय उद्यानों का गठन विशेष प्रकार की भरण स्थलीय के संरक्षण के लिए किया जाता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और वनों के उपयोग पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम झारखंड में वन जीवों के संरक्षण पे चर्चा करेंगे। बच्चों, झारखंड में वन जीवों के संरक्षण के लिए पशु अभयारण्य एवं नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं। अभयारण्य छोटे होते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान का आकार जो है बहुत बड़ा होता है, यहाँ तक कि इसमें मनुष्य का निवास स्थल भी होता है। बच्चों, आप चित्र में झारखंड के प्रमुख अभयारण्य और नेशनल पार्क की लिस्ट को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस चित्र को देखने से ये पता चल जाता है कि कौन से नेशनल पार्क या अभयारण्य में कौन से जीव जंतु रहते हैं और वो किस जिला में आधारित है। जैसे कि अगर हम बात करें बेतला नेशनल पार्क की, तो इसमें बाघ, हाथी, सांबर, हिरण आदि जैसे जानवरों को रखा जाता है और ये लातेहार जिला में स्थित है। इसी प्रकार आप अन्य नेशनल पार्कों और अभयारण्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं किस वीडियो में हमने क्या सीखा।
बच्चों, इस वीडियो में हमने प्राकृतिक वनस्पति, झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति, वनों की आवश्यकता, वन्य प्राणी और वनों के उपयोग पर चर्चा की, जिसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। और बच्चों, अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।